तो पूजा विधि संपन्न हो चुकी है, अब यहां से आगे की तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री बढ़ेंगे। फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा विधि संपन्न हो चुकी है। हर हर महादेव की गूंज आप सुन सकते हैं पूरे परिसर में, लोग पहले से वहां पर बिल्कुल मौजूद हैं। और अब यहां पर देखिए भगवान को जो माला पहनाया गया था वही माला अब यहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री को पहनाते हुए मंदिर के भगवान का आशीर्वाद मिलता हुआ यहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री को। और जो चुनरी है वो उनकी पत्नी को संभवतः यहां पर दिया जा रहा है। काशी विश्वनाथ परिसर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत ही बारीकी से इस वक्त वहां पर जो भी एक एक पूजा विधि है वो संपन्न कर रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। और इसके बाद आगे का कार्यक्रम जो उनका है उसमें वो भाग लेंगे। तो काशी की पहचान पटका पहनाकर काशी की धरती पर स्वागत किया गया। इस वक्त ये अंदर बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अपनी पत्नी के साथ मौजूद हैं। पूजा विधि यहां पर संपन्न हो चुकी है और यहां पर मंदिर के पुरोहित जिन्होंने उनको भगवान को जो माला पहनाया गया था उसे पहनाकर उनका सम्मान किया, भगवान का आशीर्वाद उन्हें दिया। और अब यहाँ से देखिए सभी लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटे का दौरा है, तो जल्दी जल्दी कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। लेकिन पूजा विधि यहां पर खत्म करने के बाद आगे की तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री बढ़ने वाले हैं जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हर हर महादेव की गूंज लगातार आप सुन पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेपाल का डेलीगेशन मौजूद है इस वक्त काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर की ये लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पूजा विधि इस वक्त खत्म हो चुकी है। और अब यहां से पशुपतिनाथ मंदिर संभवतः जो अगला कार्यक्रम है वो वही का है, यहां से वो निकलेंगे क्योंकि ललिता घाट यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो लगभग आप मान के चलिए कि 5 से 7 मिनट का समय लग सकता है ललिता घाट तक पहुँचने में।